जाहीं कुलते प्रगट होए, ताहीं कुल का नाम पुंदवा दस गुरिंद को मेरी है परनाम। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना ते सब ते वड्डा सतगुर, नानक जिन कल राखी में पिरत पिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाय, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाय। आयो निज द्वारे दया कल्प तर थारे बारे, बिरद बिलंद दीन दर्द बिदारो हो, द्रौपदी उदारी गज ग्राह ते छुटारी, पीर राक्षसन मारी वैरी देवन निहारे हो। गन का गनी है कौन प्रहलाद मोचन सुब मोचन जी पुंडरीक, पूछ बाल्मीक जस सोच कियो चारो हो। गन का गनी है कौन तीर्थ परसे आई, जैसे उदारे तैसे मोहे कोई उदारो। पुत्र कलत्र उदरा दाम देन हारो, इंद्र फुनिंद्र के भोग भगवैया तू, छठ हठी नीचन को देवते करन वाला, शारदा ओ नारद से उत्तम गवैया तू, ब्रह्म से मिलाउन वाला द्वैत को मिटाउन वाला, गुरु जगजीत सिंह पंथ उस रैया तू, जैसे और पापियों के बेड़े पार लाए पहले, ब्रह्म देव मेरी पी लगा दे पार नैया तू, ब्रह्म देव मेरी पी लगा दे पार नैया तू, गुरु जगजीत सिंह पंथ उस रैया तू, जैसे और पापियों के बेड़े पार लाए पहले, ब्रह्म देव मेरी पी लगा दे पार नैया तू। परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत मन बिरति नूं होर एकागर कर लईए, रसना नूं सारे पवित्र करो ते गज के कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। अज जिहड़ा दिन है, दिन तां सारे ही खास आ जदों सतगुरु दा दीदार होवे, सतगुरु दा नाम चित आवे, सतगुरु दा सिमरन करदिआं समां बतीत होवे। पर कुछ दिन विशेष इतिहासक महत्ता रखदे हन। अज दा दिन इस करके महत्ता रखदा जां महत्वपूर्ण आ कि जदों गुरु प्रताप सिंह पातशाह जी ने देह दा ओला कीता है, 25 भादरों नूं जिहड़ा समागम होया सी, जिहदे विच बड़े बड़े लोकां ने शिरकत कीती, राजे महाराजे धार्मिक आगू संप्रदायां दे नुमाइंदे
बड़े विद्वान साधु संत महात्मा वखो वखरे धर्मां दे गुरु अगवाई करन वाले इस समागम विच पहुंचे सन। ते अज दे देनी सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दी दस्तार बंदी होई है। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दी भाव के इदां कह लो कि गुरता गद्दी दा दिवस जेड़ा है ओ गुरमुख प्यारियो आ। इस करके आपां सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे संबंध विच मैं अपनी बुद्धि अनुसार उन्नियां करजां करांगा। जिवें भाई ध्यान सिंह जी बेनती करदे ने सतगुर जस है सैल निबाते निबात मिश्री सैल पहाड़ मैं चीटी क्या चुक हूं ताते एक कीड़ी विच्चों किन्ना क चुक सकती है। सो गुरमुख प्यारियो एक बार फिर गज के कह लो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु जगजीत सिंह महाराज जी दे जिहड़ा नाम भी आ ना नाम जज्जा गग्गा ते जज्जा ते तत्ता इन्हां नावां दे नाम दे अखरां दी भी खास महत्ता है। गुरमुख प्यारियो गग्गा अखियां जन्मां दी मैल लै जाए जदों आपां अखर सतगुरां दा नाम ही अपने मुख तो लैने आना भी धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह उहदे नाल ही बंदे दे जन्मां जन्मां दे जिहड़े विकार ने पाप ने वह दूर हो जाते ने। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाम की महत्ता। गग्गा जज्जा गग्गा तत्ता इंज देंदे ने किंज देंदे ने सिखिया ते जेड़ा फिर सतगुरु जी का नाम कोई लै ले शरदा भावना दे नाल अपनी बिरती नूं एकागर करके मन चित नूं रोक के आ असू का महीना भी हुण जिवें आउण वाला सी असू दे महीने विच मैं एक बारह माह लिखिया कहिंदे आया मस असू मास लवा दीर्घ सवास आया असू मास मन हो गया उदास कुछ लगदा ना खास अते भावदे आवास ना आ गए ओ दिन जदों सतगुरां बिन आ गए ओ दिन जदों सतगुरां बिन लंघदा ना एक छिन पर हुण पास ना जप पर योग रोज मान दे आनंद जदों आवंदे सी आप रहिंदी कोई भी प्यास ना आया असू मास लवा दीर्घ सवास दास आखदा कमाल है विछोड़े जही फास ना। ये जेड़ा गुरमुखो निजम बनया ना विछड़ना ते मिलना जिथे सानू सतगुरां दे जीवन विच्चों सिखिया मिलदी है सतगुरु जी निम्रता विच रह के एक जीवन जीण दी जाच सिखाउंदे ने आप नाम जप के ते सिखां कोलों नाम जपाउंदे ने आप मर्यादा रख के ते सिखां नूं उस मार्ग ते चलण दा उपदेश देंदे हन आप शुभ गुण धारण करके ते दूजे सिखां नूं उम्मत नूं संसार नूं एक शुभ गुण धारण दा अते सुखद जिंदगी दा संदेश भी देंदे ने ते प्रमाण भी देंदे हन। उत्थे सतगुरां दे जीवन तो एक बड़ा वड्डा होर संदेश मिलदा है। गुरमुखो शुरू तो वेखो बड़े अवतार होए ने दुनिया ते जदों दी दुनिया बनी आ ना उदों तो ही अवतार होए है जदों दा संसार बनया है गुरु भी उदों दे ही होए ने ते जिन्ना चिर दुनिया रहेगी उन्ना चिर सतगुरु रहणगे। जिवें लोकां नूं डाक्टरां दी जरूरत है जिन्ना चिर शरीर ने इसे जिन्ना चिर साडे मन ने आत्मा उन्ना चिर सानू गुरु दी जरूरत है। जिवें शरीर रोगी हो जांदा दवाइयां डाक्टर ये सारे
लोड पैन ते याद किते जांदे ने इन्हां दे कोल जाया जांदा जरूरत महसूस हुंदी है। इसे तरह जदों मन रोगी हो जांदे ने जे सतगुरु ना होन संसार ते वहशियत फैल जावे धर्म मुक जावे दया ना रह जाए करूरता ना रह जाए। एक सतगुरु की कृपा दे नाल ही गुरमुखो संसार दे उत्ते जेड़ा अमन आ सुख आ शांति आ ओ फैलिया होया गुरु की कृपा दे नाल ही। गुरबाणी विच सतगुरां आप बचन कीते ने गुरु नानक महाराज जी फरमाउंदे कि सब दुनिया ने चलिया जाना ते सतगुरु जिवें सानू होर गुणां दी सिक्ख्या देंदे ने उसे तरह अपनी भी आयु ओदा ही दुनिया ते अवतार भी धारदे ने ते मनुखां वांगू चले भी जांदे ने। इस गल द्वारा भी गुरु संदेश देंदे हन सतगुरु साहिबान के बड़े बड़े भावें कोई वड्डे पुरश भी होन भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण बावन अवतार होर बड़े अवतार शरीर करके सारिआं नूं जाना पैंदा। गुरु नानक दी जोत अज भी मौजूद है पर गुरमुखो शरीर करके सतगुर जिहड़े आ ना उमरा भोग के आउंदे ने भोगदे ने ते चले जांदे ने। जिथे उन्होंने अपने जीवन विच होर संदेश दिते ने शुभ गुणा दे जीवन जीन दे उत्थे उन्हां एक वड्डा ये भी संदेश दिता है कि दुनिया ते किसे ने बैठे नहीं रहना दुनिया ते आपां नूं जाना पैना जो मर्जी असी संसार ते कर लिए आखर नूं असी परौणियां वांगू मुसाफरां वांगू एक रात जिवें रहन कोई आउंदा उहदे वांगू पानी ते बुलबुले वांगू रुख ते बैठे पंछियां वांगू असी इस दुनिया दे उत्ते आए हाँ एक दिन उडारी मार जांगे। ये भी सतगुर सानू संदेश देंदे ने। श्री राग दे विच आ एक शब्द पढ़ के आपां गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे गुण गान करदे हां। श्री राग विच गुरु नानक पातशाह जी ने यह बचन कहे हन ओ कहिंदे ने मुकाम कर घर बैसना नित चलने की तोख मुकाम ता पर जानिया जा रह निचल लोक मुकाम करके बंदा बह जांदा इत्थे पर सजना जाना पैना देई करके इत्थे कोई बैठा नहीं रहिंदा। गुरु नानक साहब ने अपने जींदे जी गुरगद्दी जिवें दित्ती भाई लैणे नूं थापियो लैणा जीव दे गुरियाई दे सिर छत्र पिराया। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने भी गोल मंदिर विच बुला के गुरमुखो जींदे जी ही ये बचन कह दिते सन गरीब नवाज परमाउंदे ने मुकाम कर घर बैसना नित चलने की तोख मुकाम ता पर जानिया जा रह निचल लोक दुनिया कैस मुकामे कर सिद्क करनी खर्च बांधो लाग रहो हर नामे अरहाओ जोगी ताय आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम पंडित वखाण पोथिया सिद्ध बह है देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सेख पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार। जोगी जेड़े ने ओ कहिंदे ने आसन ला के भी साडा मुकाम पक्का हो गया उन्हां नूं आसना द्वारा भाव अपने निजम धर्म ओही सब कुछ दिसदा। मुल्ला मसीत विच बैठ के आखदा कि इन्नी की दुनिया इहदे तों बाहर कुछ नहीं हैगा
पंडित पोथियां नूं पढ़ के कहिंदा वी मैं ते कदे जाना ही नहीं ते साडी दुनिया आही है यही जिंदगी है। पंडित वखाण है पोथिया सिद्ध बह है देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सेख पीर सलारा साहब कहिंदे ने बड़े बड़े जेडे देवते भी सानना देवते भावें ओ इंद्र होवे ब्रह्मा होवे शिवजी होण विष्णु जी होण सब नूं गुरमुखो जाना पैंदा है ए बड़ी वड्डी गल है। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सेख पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सब अपनो आपो अपनी वारी ते चले गए ते जिन्नी दुनिया ते होर आउणगे ओ भी चले जाणगे। दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोहत के चलना दिल समझ तू पे पहुच छोटियां उमरां विच जंग युद्ध विच लड़दियां सुल्तान खान चले गए राजे महाराजे राजकुमार चले गए सबदा हमाहे वखाणी है विरला ता बुझै को सब दुनिया आवन जावनी सब दुनिया गुरमुख प्यारे आउनी जानी है सबदा हमवाहे वखाणियां विरला तबुझै कोए नानक वखाण बेनती जल थल मही अल सो। नाल दी नाल गुरु नानक महाराज ने दो गल्लां कीतियां एक ते दुनिया जान वाली है पर परमेशर नहीं किते जांदा सतगुर किते नहीं जांदा जिमें सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मैं रहया समाए। जेड़े गुरु छे गुरु साहबाना ने गुरबाणी रची है ते गुरु नानक दा नाम सारिया ने शब्द दे अखीर विच दर्ज कीता है कहण दा भाव के गुरु नानक अज भी है भावें ओ किसी भी रूप विच होवे अज भी मौजूद है। गुरमुख प्यारिओ गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी भावें देह करके नहीं पर ओ अज भी साडे विच हन ते सतगुरां दा नाम लिया ही जज्जा आखियां जन्मां दी मैल लै जाए गग्गा आखियां मन ज्ञान होवे जज्जा जमना दे जल तो किते सुच्चा तत्ता आखियां तीर्थ इशनान होवे सतगुरु जगजीत सिंह दा नाम लिया ही ना तुसीं इदां समझ लो कि सारे तीर्थां ते इशनान कर लिया सारे तीर्थां दे इशनान दा तुहानू घरे बैठिया ही फल मिल गया जिन्हें एक बार धन गुरु जगजीत सिंह महाराज आख लिया ते सतगुरां दे नाम दे विच्चों सतगुरु जगजीत सिंह पातशाह दे नाम दे विच्चों भी एक सिखिया मिलती है सिखिया भरी होई है। गग्गा कहे गुर सिखा सिखिया गुरु तो लैके मिथ्या जगत विच जीवन सवार लै गल विच पाई तेरे जमाने पाई होई गुरु बिना मुक्ति ना जरा तू विचार लै हों मैं च कर्म कर पाए ने जन्म जग कहिंदे ने चारे हुण करके चरासी नू निवार लै गगाए दूजी जगा नाम विच एदा कहे गुरु जगजीत सिंह हिरदे च धार लै गुरु जगजीत सिंह महाराज नू हिरदे च धारेगा उन्हां दा ध्यान धार उन्हां दी मूर्ति नू मन विच वसा जिथे सतगुरु जी आ जाणगे ना
उत्थे कदे दुर्गुण माड़े गुण रह ही नहीं सकते, मैल रह ही नहीं सकती। तू सतगुरु जगजीत सिंह दा ध्यान धर, तेरा मन अपने आप ही निर्मल हो जाना, मन ने बुरियाईयां अपने आप ही छड जानियां, जदों तू सतगुरां दी मूरत नू अपने हिरदे च वसा लेंगा। हुण सतगुरां दे नाम दे विच तत्ता अखर गुरमुखो अखीर विच ही आउंदा है, जिहड़ा लगदा तत्ता आके कहिंदे तत्ता तक लिया जिन्ने मन वाला ताक खुला, ते खोल के कपट खोलते कपट इंज गुरु जगजीत सिंह। कपाट शब्द बूहे वास्ते दरवाजे वास्ते वरत्या जांदा है, जिन्ने एक वार गुरु जगजीत सिंह दा दर्शन मात्र भी कर लिया गुरमुखो, समझो कि मन दे दरवाजे खुल गए, मन दे कपाट उस दे खुल गए। अबनासी स्वै प्रकाशी घट घट वासी, रूप है वैराट इंज गुरु जगजीत सिंह। सतगुरु जगजीत सिंह नू जिन्ना ने अकाल पुरख मन्या ना, गुरमुखो रब मन्या, वो एक जगह नहीं फिर मन्या, वो कहिंदे हर एक जगह आकाश धरती जर्रे जर्रे विच समाया होया मेरा सतगुरु है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओह अबनासी पुरख है सब में रहा समाए। घट घट विच गुरमुखो समाया होया, गल सतगुरां नू जानन दी है कि केड़ा बंदा गुरु नू जानदा किदां। जिदा भाई बाला जी ने आख्या सी, मैं पूर्ण साधु जानिया, संत जानिया, महापुरश जानिया, ब्रह्म ज्ञानी जानिया, ते गुरु नानक ने भाई बाले नू साधु बना दिता, संत बना दिता, महापुरश बना दिता, ते भाई लहणे ने आख्या मैं अकाल पुरख जानिया, मैं गुरु नानक नू रब जानिया, मैं गुरु नानक नू परमेशर मन्निया, ते गुरु नानक ने उन्हू अपना ही रूप बना दिता, गुरमुखो लैने तो अंगत कर दिता, गुरगद्दी दी बख्शिश कर दिती। गल अपनी भावना दी है, सतगुर कहिंदे ने सतगुरु नू जिद्दां दा कोई करके वेंदा ना उदां दा ही उन्हू फल मिल जांदा, जिद्दां दी किहे दी भावना हुंदी है सतगुरु उन्हू उदां दा ही फल दे देंदे। भाई गुरदास जी ने प्रमाण दिते ने, वो कहिंदे गुरु एक सीसे दी न्याई या दर्पण दी न्याई, तुसी सीसे दे अगे खलोवो, विंगा मूँह बना के वेखोगे विंगा दिस पूगा, सीधा वेखोगे सीधा नज़र आ जाऊ, मैल वाला वेखोगे उदां दा दिस पऊ, उस लीड़े धो के साफ करके मूँह धो के दस्तार सजा के वधिया कपड़े पा के सीसे दे अगे जाओगे ते उदां दा ताड़ा प्रतिबिंब नज़र आ जाएगा। जे सतगुरु दे कोल गुरमुखो मन विच जिद्दां दी भावना लैके जावांगे, सतगुरु उदां दा ही सानू फल दे देंदे। भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिद्दां एक वैद दे कोल जाके कोई बीमारी दसदा मेरी सिर पीड़िया, उदां दी दवाई देंदा, जेड़ा कहिंदा मैनू हिरदे दा रोग आ उदां दी दवाई देंदा, जेड़ा कहिंदा मैनू नींद नहीं आउंदी ओ दवाई देंदा, जेड़ा आखे रोगी जाके मैनू भुख नहीं लगदी ओ दवाई देंदा, जिद्दां दी कोई आखे वात पित्त कफ उदां दी वक्खो वक्खरी दवाई दे देंदा। इदां ही सतगुरां दे कोल जाके कोई जिद्दां दी कामना करे गुरमुखो, उदां दा सतगुरु फल दे देंदे ने। दूजा प्रमाण उन्हां दिता, सतगुरु एक राजे दे वांग आ, राजे वांग राजे दे दरबार विच जाके जे कोई बंदा जेड़े कम दे जोग होवे, जे कोई लंगरी आ उन्हूं लंगर चला दिता जांदा है, जे कोई शरीर रिष्ट पुष्ट है उन्हूं सैनिक बना दिता जांदा है, जे कोई पढ़िया लिखिया उन्हूं दफ्तर दा लिखन पढ़न दा काम दे दिता जांदा है। गुरु दे दरबार विच भी जेदां जिद्दां दी किसे दी भावना गुरमुखो उन्हूं उदां दा ही फल मिल जांदा। गल अपनी भावना दी है। भाई लहणे ने आख्या मैं रब जाणिया,
हर एक जगह विच रमिया मेरा गुरु, गुरु नानक ने उन्हू रब बना दिता। गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह गुरमुखो सदा सदा घट घट विच रमे होए, ते जिन्ना ने अज भी रमिया जानिया हर एक जगह जानिया, ते सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह चों वी उन्हां दा दीदार होया। हर एक जीव विचों नजारा सतगुरां दा उन्होंने वेख लिया, जिन्हां दी मन दी भावना गुरमुखों सतगुरां दे प्रति उदां दी सी। तत्ता तक लिया जिन्ने मन वाला तक खुला, खोलते कपाट इंज गुरु जगजीत सिंह। अबनासी स्वै प्रकाशी घट घट वासी, रूप है वैराट इंज गुरु जगजीत सिंह। अर्शी छत्र चौर पातशाह बनाया पूरे, पूरा है सी थाट इंज गुरु जगजीत सिंह। कखा तो बनाया लख लखा तो करोड़ कर, छड़ी ना सी घाट इंज गुरु जगजीत सिंह। जज्जा जाग जाई सिखा गुरमुखो, जेड़े सतगुरां दे नाम आ, मैं बेनती करदा अपने मन दी भावना दी गल, जिन्हें भावना ना शरदा ना प्रेम नाल सतगुरां दा नाम भी लै लिया, उहदे बेड़े भवसागर तो पार हो गए। जज्जा आखियां जन्मां दी मैल लै जाए, गग्गा आखियां मन ज्ञान हो जाए। जज्जा जोड़दा है रब दे नाल सिद्धा, तत्ता तारदा है रब समान हो जाए। गुरमुख प्यारे हो, ये चार अखर नहीं कि सतगुरु जगजीत सिंह महाराज जी दे नाम दे कल्ले चार अखर ने। अखर चार ये मुक्तियां चार समझो, चार मुक्तियां, एक सा जुझिया सा रूपया सा लोकया, सतगुरु दे लोक विच रहना ये भी एक प्रकार की मुक्ति, सतगुरां दे लागे रहना समीप रहना ये भी एक तरह की मुक्ति है। कहिंदे अखर चार ये मुक्तियां चार समझो, अवस्था चारा च हन सुख चार चारे, चारे पैर जो जपूए चार अखर, ते पदार्थ मिलनगे उसनू चार चारे। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे गुरमुखो नाम दे आपां विचार करके फिर अज दे इतिहासक दिन दी विचार करांगे, जिहदे वास्ते ये बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जेड़ा आखेगा धन जगजीत सतगुर, उहनू धन दी कमी ना रहेगी जी। आखो धन गुरु जगजीत सिंह जी, ते माया पानी दे वांगरां बहेगी जी। जेड़ा कहेगा धन जगजीत सतगुर, ते जामे उस दे लागे ना आउणगे जी। आखो धन गुरु जगजीत सतगुर, धर्म राज दे दूत ना बुलाउणगे जी। जेड़ा कहेगा धन जगजीत सतगुर, बिरती टिकेगी दसवें दुआरी अंदर। ते आखो धन गुरु जगजीत सिंह जी, मन भटकू ना कदे संसार अंदर। जेड़ा कहेगा धन जगजीत सतगुर, टिक जाएगा उसदा ध्यान पाई। आखो धन गुरु जगजीत सतगुर, आवे निम्रता मिटेगा मान पाई। जदों सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह गुरगद्दी ते विराजमान हुंदे ने, जिथे होर गुरमुखो बड़े पक्ष सनना, उत्थे सब तो वड्डा पक्ष सी विरोधियां दा विरोध। बड़े ज्यादे केस चलदे सन, विरोधियां दे विरोध सन, ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा बचन भाई गुरदास जी ने लिखिया ना कि बाबा पैदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई, कि गुरु नानक देव दरगाह च गए उत्थों निम्रता लैके आए निम्रता, ते सतगुरां ने उस निम्रता दे गुण दे नाल ही गुरमुखो वड्डे वड्डे वैरियां नूं वी झुका लिया। निम्रता नाल ही सतगुरां दे चरणां विच झुक गए, इको निम्रता दे गुण दे नाल
ते छोटी गल नहीं सी गुरमुखो निम्रता। गुरबाणी विच जे प्रमाण आपां वेखन लगीए ते इस विषय ते ही बड़ा लम्मा समा चाहीदा है। गुरु नानक पातशाह जी फरमाउंदे ने, कहिंदे होर गल्लां तू छड जे कल्ली तेरे मन च निम्रता आ जाए, समझला तेरी रब ना एक मिकता हो गई, दो गल्लां रह ही नहीं जांदियां, तू परमेश्वर च अभेद हो जाएगा। निम्रता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, प्रेम आ गया दया आ जाएगी। समझला निम्रता आउण दे नाल सारे दे सारे ही गुण अपने आप आ जाणगे, पहला जे निम्रता मन विच आएगी। गुरु नानक पातशाह फरमाउंदे ने, सज्जना वेख सिंबल रुख सराए राय अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवै आस कर जाए निरासे कित, पल पिके फुल बक बके कम नया वह पत, मिटत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत। मिटत जेड़ी आ ना निर्माणता सारे गुणा दा सार आ गुरमुखो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सम्मत बिक्रमी 2016 मी सौन ने शहबरां ला रहे सी, जिन्हां दिनां दी गल ढिल्लों साहब ने एक कविता विच कीती है। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरु प्रताप सिंह जी ने बुलाया, वड्डे बाबा जी दे रूप विच सन जदों सतगुरु जी, कवि जी ने एक बचन कहा, वह कहिंदे ने जदों दी दुनिया बनी आ ना जुगां जगंतरां तों लैके जिहड़ा सतगुरु आ वह रूप बदलदा आया। सतगुरु जिहड़ा वह अपना शरीर का चोला बदलदा आया जदों तों दुनिया बनी है, वन सुवन्ने रूप धारदा जुगा जगंतरों आया, दया धर्म दियां किरणा सुट सुट इस जग नूं रोशनाया। कहिंदे ने सगते सदके उस प्रीतम दे सानू ला वारस नहीं कीता, दे गुर जगजीत प्यारा उस विच आप छपाया। सौण दे महीने की गल आ, ते गोल मंदर दे विच गुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह विराज रहे सी, ते अंदरों अंदर कहिंदे कोई बणत बना रहे ने, कोई विचार करदे पए ने, ते करो फिक्र ना रता है दे ढिली धीरज संगता ताई बंधा रहे सी। संगतां दे मन च भी वैराग आ, पर सतगुरु जी कह रहे ने कोई फिक्र दी गल नहीं, तुसी किसे प्रकार दी चिंता ना करो। ते सेवक ज्यों ज्यों बचन सी सुनी जांदे, ते त्यों त्यों अखां च्यों नीर वहा रहे सी। ते जानी जाने ओ आप जी जान दे सन, नहीं सी किसे नू पता की होन वाला, समा किसे दा नहीं लिहाज करदा, ते नहीं जे किसे दे कैन खलोन वाला। समा गुरमुखो जदों दा चलिया है, भरथरी हरि ने विराग शतक विच एक बचन कहा, वो कहिंदा बोगा ना भुगता व्या मेव भुगता, कालो ना जातो व्या मेव जाता, मैं समझदा सा भोगा नू मैं भोग लिया, मैं समझदा सा भोगा नू मैं भोगदा पिया पर भोग मैनू भोग गए, मैं समझदा सा कि समा जांदा पिया पर मैनू ते पता ही होण लगा कि समा ते मैं आप बीत गया उस समय दे विचों दी। गुरमुख प्यारे ओ हो के अंदर ध्यान प्रताप सुत सत गुर बड़ी डूंगी कोई सोच विचार रह सन, ते अखां मीट के सब कुछ वेख रह सही, ते झाती चार छफेरे ही मार रह सन। चीनी वाले दे चरना च हो हाजर, पुछियो ना तो हुक्म दी कार रह सन, वांग सेवका अपने गुरु अगे हाथ जोड़ के अर्ज गुजार रह सन। कीता हुक्म जो सतगुरु राम सिंह जी
गल उस तो रता ना बार होई ते सतगुरु प्रताप सिंह जी जो हुक्म कीता ते सारी हुक्म मुताबक स्वीकार होई। गोल मंदिर विच डेरा वा गुरु प्रताप सिंह जी दा, कहिंदे नेत्र खोले सतगुरां ने कुछ चेर बाद, ते नेत्र खोल के बाबा वीर सिंह जी लागे हाजिर सन। सतगुरां हुक्म कीता कि मैनू जरा उठाओ उच्चा करो, लम्मे पै सन, सेहत जरा ढिली सी। सतगुरां नूं उपर चुक के महाराज वीर सिंह जी पिछे बैठ गए, ते उन्हां दी ढोल आ के ही सतगुरु प्रताप सिंह बह गए। ते सतगुरां ने हुक्म कीता कि हुण वड्डे काके नूं बुला के लियाओ। ते गुरमुख प्यारिओ बुलाउण वास्ते जदों गए ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठे सन बचन बलास धीरे धीरे नीवीं जी सुर विच करी जा रहे सन। इन्ने चिर नूं बचन करदियां करदियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हाजिर हो गए वड्डे काका जी आण के। ते वड्डे पाप काका जी हुक्म सुन होए हाजिर, ते हुक्म सतगुरु पिता हजूर दसे, बचने आपदा कदे भी मोड़िया नहीं। आण के हाथ जोड़ के सिर नवाया, मेरे गुरु पिता हुक्म कीए की आग्या मेरे वास्ते, ते हाथ जोड़ के करांगा कार ओही, ते जेड़ी आपनू होए मंजूर दसो। कीता हुक्म अचो उचेची मंगवाई चौंकी, चौंकी उत्ते बिठाल के कहन लगे, समा आते हालात नित बदल देने, एक सार हमेशा नहीं रहन लगे। जिम्मेवारियां तुसां ते पैनियां ने, हिम्मत हौसले नाल निभा देना, ते सवा लख जो पाठ आरंभ कीते, ते इस कम नूं सिरे चढ़ा देना। सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करी जा रहे ने, ते गुरमुखो वड्डे काका जी भाव सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी, जिन्हां नूं चौंकी ते सामने आसन विछा के सतगुरां बिठाया, सिर नवा के उह सुणदे यार। सतगुरां दा हिरदा बड़ा नरम, बड़ा कोमल, बड़ा ज़्यादा भावना पूर्त, बहुत छेती द्रवत होण वाला है। जदों इदां बचन कीते सतगुरु प्रताप सिंह जी ने के कोठे कड़ियां भी वेचने पैन, भावें भोग पाठां दा तुसी पवा देना, सोच सोध मर्यादा नूं कायम रखना, हो सके तां होर वधा देना। इन्हां गल्लां दा निकलदा अर्थ कीए, ते कोमल चेतना सुन सहार सके, ते शम शम अखियां चो हंजू वैन लग पै, मुखों बचन ना कोई विचार सके। अखां चो केवल ते केवल हंजू वहिंदे ने, ते वहिंदियां अखां चो हंजुआं नहीं, जिवें सारियां गल्लां कीतियां होण, अपनी रसना तो कोई उस समय बचन ना कर सके। ते वड्डे बाबा जी बिन कुछ बोलिया ही गुरु चरणा ते कर नमस्कार तुर गए, भरियां अखियां ते भरिया मन लैके, ते गोल मंदिर चो उठ के बार तुर गए। गल्लां पूरियां नहीं ओ सुन सके, कुछ छड के अध विचकार तुर गए, अंदर मुख लपेट के रोई जांदे, शायद रोया ही कुछ सुधार हो जाए। पारा निकल जाए पानी अखियां दा, ते दिल हो सकदा हौले पार हो जाए। गुरमुखो तुसी जानदे जे जिहड़ा समा आना कदे भी नहीं है रुकिया, ते समा तब्दील शुरू तो हुंदा आया है। भट साहिबाना ने अपनी बाणी विच लिखिया, सतजुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो,
उग्रसैन को राज अभय भगता जन दियो कलयुग परमान गुरु नानक अंगद अमर कहायो। ए जेड़ा कलयुग दा राज सी ना गुरु नानक पातशाह ने जिम्मेवारी लई सी भी मैं अपने अवतार धार धार के भोगांगा। गुरु नानक पातशाह ने यह कृपा की थाप्यो लहना जीवद अपने जींदे जी भाई लहने नू गुरगद्दी दे के तिलक लगा के ये जिम्मेवारी सौंप के ते मर्यादा प्रारंभ की ते वो चलती चलती जदों गुरु जगजीत सिंह पातशाह तक गुरमुखो आई उस समय दे तुसी सारे गवाह जे के चलते हुए बड़े केस सन बड़िया औकड़ा सन कोई इन्ना सुखा वाला उदों समा नहीं सी शरीरक तौर ते मन करके नहीं मैं कहिंदा गुरमुखां दा जेड़ा मन आ ना बाहरों जिन्नियां मर्जी तकलीफा होन जिन्ने मर्जी दिसन के दुख आए ने पर मन कदे दुखी नहीं करते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज माछीवाड़े दे जंगलां विच सामने उन्हां दे पुत्र भी शहीद हो गए सन पर उस माहौल विच भी वह बाणी उचारदे ने शब्द उचारदे ने जिस हालात विच किसे आम इंसान नूं कोई गल नहीं औड़दी वह एडी मनोहर कविता की रचना करदे ने इस गल का सबूत देंदे ने कि गुरमुख गुरसिख भजन बंदगी करन वाले दुखां सुखां तो सदा नरलेव ते उच्चे रहिंदे। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ते गुरमुखो जदों ये गुरियाई कली गुरियाई गद्दी जां दस्तार नहीं सी बड़ी उदों सलावां होईयां कि कौन दस्तार दवे पिंड दी पंचायत वल्लों दित्ती जावे जां होर किसे वल्लों ते सतगुरु जी दी वी ये मर्जी सी कि जेडे सतगुरां दे सेवक सन ना गुरमुखो फिर देन नूं ते इतिहास विच लिखिया भावें सोने दियां तारां दी बना के दस्तार दित्ती जांदी पर एक खद्दर दी दस्तार जिहड़ी परंपरा सी मर्यादा तुरी आउंदी सी भाई जी ने थाल विच रखी है बड़ा इकट्ठ डेढ़ लख दी गिनती वहमी जी ने भी लिखिया कि उस दिन होई बड़ा वड्डा पंडाल लगाया गया संगतां दे रहन वास्ते तंबू लगाए गए ते तंबूआं नूं वेख के ऐं लगदा सी जिवें कोई नवां शहर ही वस गया होवे उन्हां तंबूआं दे विच बहुत ज़्यादा संगत सी। उह सारे प्रोग्राम नूं मैनेज करन वास्ते एक कमेटी बनाई गई जदों सतगुरु जगजीत सिंह दी दस्तारबंदी होनी है महाराज जी दी अगवाई दे विच गुरदेव सिंह रामपुर ते हरी सिंह वडाणिया करपाल सिंह नारली साधु सिंह जड़ांवालिया ते नंबरदार अमर सिंह ए इस कमेटी दे मैंबर सन जिन्हां ने ये सारे काम नूं भाव जिद्दन सतगुरां दी दस्तारबंदी कोई छोटा दिन नहीं सी जिथे लोकां दा संगत दा शरधालुआं दा इन्ना इकट्ठ है उत्थे सारियां संप्रदावां दे लोक आए दस्तारां होर भी बड़ियां सारियां संप्रदावां वल्लों भी आईयां ब्यास तों भी महाराज चरण सिंह जी चल के आए सन पर गुरमुख प्यारेओ आसा दी वार तो बाद यह प्रोग्राम जिहड़ा सी उस दिन दा जिद्दन दस्तारबंदी सतगुरां नूं होनी सी आरंभ हो गया। आसा दी वार तो बाद ही 108 सधारण सहज पाठां दा भोग पाया श्री आदि ग्रंथ साहिब दे 12 दसम ग्रंथ दे जिहड़े सानूं भोग पाए गए ते फिर उहदे तो बाद संत इंद्र सिंह चक्रवर्ती जी ने स्टेज दी जिहड़ी संचालना उह कीती विद्वान भी बोले ने बड़े बड़े साधु संत जेड़े वो बोले ने भाई वजीर सिंह जी ने एक थाल विच पा के खद्दर दी दस्तार सतगुरां नूं भेट कीती ते सतगुरु जी ने उत्थे बैठियां ही पहली दस्तार एक एक लड़ करके खोल के ते जेड़ी दस्तार भाई वजीर सिंह जी ने दिती वो दस्तार गुरमुख प्यारे वो सजा ली गई। संत भाई रतन सिंह ने कुछ जेड़ा सुक्का मेवियां दा प्रसाद मत्था टेकिया उहदे तों बाद ते ओ सारा प्रसाद भी गुरमुखो सतगुरां हुकम कीता वी इत्थे वरता दिता जावे। इस तों बाद गुरमुख प्यारेओ
संत प्रीतम सिंह चेले के सूबा वरियाम सिंह ये प्रोग्राम बनाया सी के उस दिन ते माया कट्ठी होई सी 1.5 लाख रुपये तो वध ओह उन्होंने फिर जदों भाई वजीर सिंह ने दस्तार मत्था टेक दिती भाई रतन सिंह जी कुछ प्रसाद लिया के मत्था टेकया ते संत प्रीतम सिंह ते सूबा वरियाम सिंह होना वो 1.5 लाख तो कुछ वध रुपये सन सतगुरां नूं बैठियां ही उत्थे मत्था टेके दरबार दे विच ही इदां गुरमुख प्यारे हो जदों दस्तार सजाई ते सतगुरां ने खलो के सारिआं नूं दर्शन दिते जदों दर्शन दिते ते सारा पंडाल जकारिआं दी गूंज विच सारा गूंज उठिआ मास्टर तारा सिंह इदां नाम लैण लगीए ते नाम बड़े हो जाणे आ करतार सिंह जी कामरेड हरकृष्ण महाराज चरण सिंह दरबारा सिंह गुरबख्श सिंह मुसाफर महाराज जादविंदर सिंह पटियाला इन्हां दे वल्लों भी श्रोमणी कमेटी वल्लों भी दस्तार जिहड़ी है सतगुरु सच्चे पातशाह जी वास्ते भेजी गई। एक निकी जी घटना सुना के गुरमुखो मैं खिमा मंगांगा। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह दा मेला हो रहा सी ते बड़े बड़े विद्वान सज्जन भी जथेदार भी आए दीवान भी लगे ते एक जहेदार सन गुरदित सिंह पिंड समरा गुरदासपुर विच उन्हां इदां दीवान लाया दीवान ला के वह चले गए पर मन विच बड़ा वैराग भी अगे दीवान लाने सां सतगुर पुछ गिछ भी लेंदे सन ऐदा जानते भी सन गरीब नवाज कृपा करते सन हुण सानू किन्ने पुछना ते मन बड़ा वैरागी हो गया ते कई दिन इदा मन च उहदे चित भी नहीं चलती रही भी सानू ते पुछण वाला सतगुरु चले गया। वह कहिंदा एक दिन फिर ऐदा मैं सुपने दे विच मैनू ना गुरु प्रताप सिंह ने दर्शन दिते ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ते नाल ही सतगुरु जगजीत सिंह जी सन ते मैनू सुपने च दर्शन दे के सतगुरां ने हुक्म कीता कि हुण जिहड़ी अगली कार है जिन्ना भी कम कार है हुण इह करनगे इहो ही करता धरता ने ते कहिंदे जदों फिर मैं भैणी साहब आया जिद्दां सतगुरु प्रताप सिंह बख्शिश कृपा करदे सन उसे तरह ही सतगुरु जी करन लगे। गुरमुखो ये मर्यादा शुरू तो चलती आई है पर जेड़ा सतगुरु जगजीत सिंह जी का जीवन है जीवन दियां घटनावां ने एहो जिहा कोई पक्ष ही नहीं हैगा ना वो खेतीबाड़ी वालों ना वो खेडां दे वालों ना वो भजन बंदगी वालों तुसीं वेखो सतगुरु जगजीत सिंह जी ने आ प्रयोग दे दिन हुण आउण वाले ने कल आरंभ होण वाला है ते ए सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दी कृपा है कि घरां घरां विच पिंडां पिंडां विच शहरां विच किन्नी जगह ते प्रयोग हुंदा है। गुरु राम सिंह जी दे मिशन नूं गुरु जगजीत सिंह जी ने दूना चौना कर दिता हर एक खेतर नूं लैके ना उन्हां दे गुण गिने जा सकदे ने ना उन्हां दे वल्लों जिहड़े कारज कीते सिखां नूं नवाजिया उत्साहित कीता ते इह फुलवाड़ी जिहड़ी गुरु राम सिंह द्वारा लाई गई गुरमुख प्यारिओ उहनूं हरियां भरियां रखिया उहनूं उसे तरह ही बख्शिश कीती ते सगों उसे तरह नहीं बड़ियां औकड़ां सी मैं शुरू च बेनती कीती है उहनां सारिआं नूं सुखालिआं कर दिता सिखां नूं सुख दिता ते गुरमुखो कला शरीरक सुख नहीं भजन बंदगी करा के मन जेड़ा उसनू भी आनंदित कीता सुख बख्शिया। सो अज दे दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ये दस्तार बंदी का ये दिन या दिहाड़ा है ते इस करके आओ सतगुरां नूं याद करिए सब एक बार गज के कह लो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां सत श्री।